सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि दो लोग नाव में बैठे हैं और वो डूब रहे हैं, तो एक बहुत सारे भगवान को याद करता है और एक ही भगवान को याद करता है, तो जो बहुत सारे भगवान को याद करता है वो डूब जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही है, मैं तो बहुत सारे भगवान को मानती हूँ, तो क्या मैं डूब जाऊंगी? आप सबको मानते हैं? हाँ जी। ये रुकता कैसे भाई? सुनिए, हम यहाँ भी देख रहे थे, ये YouTube पर भी बागेश सुधाम चैनल पे लाइव चल रहा है, तो जो है इसमें भी जो उत्तर प्रश्न आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके भी उत्तर देते जाएंगे, सो दोनों काम हो जाएंगे। सुनिए, हर भगवान को मानने वाले का हाल, आपने बरगद का पेड़ देखा है? देखा है? पर मैं सबको दिल से ही तो मानती हूँ, ऐसा थोड़ी ना आएगी। अरे तो सुनो तो भगवती, बरगद का पेड़ देखा आपने? हाँ जी देखा है। हाँ बहना, तो बरगद के पेड़ में कितनी टहनियां होती हैं? बहुत सारी। किसी भी टहनी को पकड़ करके चढ़ो, पहुंचोगे बरगद पर ही। उसी प्रकार किसी भी परमात्मा की, सनातन धर्म के देव की पूजा करो, पहुंचोगे ईश्वर सत्ता के ही पास। अब आपकी इतनी मनोभाव की सामर्थ्यता है कि चार पांच टहनियां इकट्ठी पकड़ के चढ़ पा। तो प्रॉब्लम है कि मैं मानती तो सबको हूँ, लेकिन मतलब मेरे घर वाले कहते मैं मतलब ही हूँ, जब मतलब होता है तो मैं मानती हूँ, जब मतलब नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, मुझे दुख लगता है तो मैं सबको, मतलब मेरे मन में फिर ऐसा बुरा बुरा नहीं, आ नहीं, नहीं, ऐसा कोई भाव मत रखो, मानो सबको, रहो एक के। अब मैं एक चूज करना ही तो मुश्किल है, एक को चूज करना ही तो मुश्किल है, सब मेरे काम आते हैं, जब मैं जिसको बुलाती हूँ वो मदद कर देता है। जय हो, जैसे मैं दुख में माता रानी को बुलाती हूँ तो वो मेरे दुख को कम कर देती है। कल भी मैं बालाजी को याद कर रही थी, उनका वो मैं आपने बताई थी कि वो गाओ कौन सो काज कठिन जग माई, तो वो सुन के आ जाते हैं और साथ, तो मैंने तीन बार आजमाया, तीनों बार काम किया, अब मैं क्या करूं? अब कछु ना करो, अब ऐसे ही चलन दो। आप ऐसे ही चलो बहन, और गुरुजी जो है अब उसमें कोई किंतु परंतु मत करो। और वैसे तो दोहा है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, लेकिन जब आपकी सबई जने सुना तो हम काजी हैं के मुल्ला। फिर भी सब मुझे बुरा कहते हैं, ऐसा क्यों? मैं बुरी लोगों को कहने, वो लोगों के चक्कर में मत पड़, लोग तो भक्ति नहीं करते उनके लिए भी बुरा कहते, जो करते उनके लिए, लोगों के चक्कर, आप अपनी भक्ति बरकरार रखो। और गुरुजी एक और बात, आप मेरे भाई बनोगे, मेरी बहुत इच्छा है। क्या हमने अभी बहना बोला नहीं है? मेरी बहना बिल्कुल नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, बहन बोल तो आप सबको ही देते हो, पर फिर बहन वाला अटेंशन भी तो मिलना चाहिए। अब ऐसे मैं बाहर खड़ी हूँ, मुझे कोई अंदर भी नहीं आने देता, मेरा दिल रोता है, फिर ऐसा अच्छा थोड़ी ना है। अगर आप मेरे भाई हो तो फिर मुझे बुलाओ। अभी तो अंदर बैठी हो। गुरुजी बहुत मुश्किल से आई हूँ, आपको क्या बताऊँ मैं? अब बहुत ज्यादा लोग हैं ना, आपका भी धर्म है कि आपके भाई के पास में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अब आप अगर हमारी तो भाई से एक रिक्वेस्ट है, ऐसा मतलब रिक्वेस्ट ठीक है, बुला लिया करें। नहीं पूछना भी है गुरुजी, अभी खत्म नहीं हुआ कि जब मतलब बहुत सारा है, पर मैं अभी थोड़ा ही बोलूंगी कि जैसे आप मेरे भाई हो और फिर अब मुझे आपकी कभी लगी कि मुझे मिलना है, फिर मिलने आऊं मैं तो आप मिलोगे, और मतलब ये है कि आप मुझे भूलोगे तो नहीं, आप मुझे भूल जाओगे तो फिर क्या आप मतलब ऐसे अभी आपने मुझे देखा, आप मुझे याद रख पाओगे हमेशा या आप भूल जाओगे? आप कार से कहीं जा रहे हो, मैं रास्ते में हाय गुरुजी कर दूं तो फिर आप रोकोगे गाड़ी? अब नहीं भूले। और गुरुजी एक और बात, मुझे आपके लिए बहुत सारे कपड़े बनाने, तो मुझे आपका साइज चाहिए, क्योंकि अभी जो मैंने बनाया था तो मुझे साइज पता नहीं था ना, कल वाला आपने ही दिया था कुर्ता? हाँ जी गुरुजी मैंने ही दिया था। बहन बहुत सुंदर था, आप पहनोगे इसे? कल हम पहने थे उसको प्रश्नोत्तरी,
अच्छा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं आपको भाई बोलूंगी, गुरुजी बोलना फॉर्मेलिटी लगता है। स्वागत है भाई। आप बहुत अच्छे हो, मेरा दिल में चल रहा था आप मुझसे बात करो, आपने मेरी एक इच्छा भी पूरी कर दी, इसलिए मुझे लगता है भगवान मेरे साथ है। है। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे अब ऐसा, मुझे अब जब भी दुख होगा मैं यही सोचूंगी कि मैं बहुत गलत सोच रही हूँ, मुझे भगवान बहुत चाहता है। बिल्कुल बहन, ऐसा नहीं सोचते, भगवान की बड़ी कृपा है, आप रक्षाबंधन को आया करो, कभी भी आया करो, और हम आपको मेरी बहन, वैसे तो हम किसी को नहीं भूलते और तुम्हें तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। गुरुजी आप याद रख लिया, मुस्कुराओ, बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सीताराम सीताराम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करो। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।